यहाँ की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गई क्योंकि वो पहाड़ियों पे और सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा हैट, हमारा टैंक, ये सब चीज़ पहन के और पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा असली फौजी है, जो सिपाही है, पूर्व सैनिक, वो आज जंतर मंतर पर इसीलिए बैठा हुआ है। इतने खुश हैं कि इतनी गर्मी में जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक बैठा हुआ है। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। हाँ, अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रही कि हमको रोड़ों पे आना पड़ रहा, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। जो विसंगतियाँ हैं वो सरकार दूर नहीं करती है, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा। सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 50 दिनों से जवान जंतर मंतर की धरती पे धरने पे हैं। इन लोगों की वही मांग है ओआरओपी को लेके कि इन लोगों का जो है मांग पूरा किया जाए, लेकिन जैसा कि मालूम है 50 दिन से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। तो सबसे पहली बात कि जब सरकार बोलती है, जब सरकार सत्ते में आती है तो हमेशा यही नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हम जवानों को, किसानों को और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए ये काम करते हैं। लेकिन आज जवान सवाल बस इतना सा है कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, जवान अभी भी धरने पे, इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है? बताइए कि किसका साथ और किसका विकास हो रहा है? जी, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। पूर्व सैनिक होने के नाते हम जब तक सेना में रहे, हम पूरे अनुशासन में रहे, और जो भी सरकार द्वारा हमें, जो हमारे सेवा के बदले जो भी दिया गया, हमें संतोष था। लेकिन अभी क्या है, ओआरओपी 1 तक तो ठीक था, जब ओआरओपी 2 जब 5-6 साल के बाद इन्होंने हमें दिया सरकार ने, तो उसमें कुछ विसंगतियाँ थी, कुछ भेदभाव हमारे साथ, हमें लगा कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो हम उसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर अपना जो है, आज जो है हमारा जो यहाँ पर धरना कहो या प्रदर्शन कहो या शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी मांग मंगवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम 55 दिन है हमारा आज, हम चाहते हैं कि सरकार इन विसंगतियों को भी दूर करे हमारी, ताकि हमारे इसमें कोई भेदभाव ना हो आपस में। लेकिन आपने बोला कुछ ओआरओपी जो 2 निकला उसमें कुछ विसंगतियां हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आपके बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो सब लोग टीवी डिबेट में बैठते हैं, जाके बातचीत भी करते हैं, तो वो इसमें सरकार की तो कोई गलती नहीं है, वो आपकी मांगे रख सकते हैं? हम सरकार की कहीं पर भी गलती नहीं मान सकते, खास तौर से इस सरकार की, क्योंकि इस सरकार ने शुरू से ही जो 44 सालों से जो हमारा ओआरओपी की मांग थी वो इस सरकार ने पूरी की, हमें इनसे कोई वो शिकायत नहीं है। जो हमारे सीनियर अधिकारी थे, उनमें से कुछ लोगों ने, कुछ नहीं, सभी नहीं बोलूंगा मैं, कुछ लोग ऐसे इस तरह से थे कि उन्होंने जो है अपना ही फायदा किया और उन्होंने देखा, और तो स्वाभाविक है कि समुद्र में भी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निकल जाती है, ये पुरानी कहावत है, वही हमारे साथ भी हुआ है। सरकार से हमें कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है कोई। 55 दिन तो हो गया, सरकार से अगर कोई मतभेद नहीं है, सरकार आपकी सुनती तो अभी तक तो सुन लेती? नहीं, सरकार जो हमें सूत्र द्वारा पता लग रहा है कि हमारी बातें जो है सरकार तक पहुंच चुकी हैं अब, लेकिन क्या है, इसका जो है धीरे धीरे जो है इसको जिन्होंने इनको लागू किया था, जो भी इनके अधिकारी वर्ग थे, सब उनको जब उनकी बोला एक पैनल बना करके एक मीटिंग उनकी बुलाई जाएगी। सरकार इसलिए तो नहीं सुन रही है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं सुन रही है, कि आप लोग बहुत शांति तरीके से धरना दे रहे हैं? नहीं, देखो, शांति तो जो हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम पूर्व सैनिक जो है ना, जो कभी भी जो है हम बिल्कुल एकदम अनुशासन के साथ ही चलेंगे। हमें पता है कि देश कैसे आज़ाद हुआ था, कितनी शांति से हुआ था, दोनों तरह से, मतलब शांति से भी हुआ था, अहिंसा से भी हुआ था, हिंसा से भी हुआ था, लेकिन जो है सबसे अच्छा तरीका शांति का तरीका है अपनी। आप इनकी बातों से सहमत है? ये कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो सैनिकों के साथ जितनी भी विसंगतियाँ की गई है उसमें बहुत छलावा अफसर साहिबानों ने किया है। सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार तो अपना काम कर ही रही है। किसान भी धरने पे हैं, जवान भी धरने पर, तो किसके लिए सरकार कर रही है?
अपनी धरने पे तो है, लेकिन सरकार को पूर्ण रूप से ये जानकारी नहीं है कि अफसर लोग हमारे साथ 50 दिन हो गया और अभी तक सरकार को जानकारी नहीं है। जानकारी आपने उससे होगी, लेकिन हमारे उसमें तो कोई सहयोग नहीं करा उन्होंने, नहीं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आए। लेकिन और आप बोले आए, लेकिन मोदी जी जब भी दिवाली और होली होता है तो जवानों के साथ बॉर्डर पे जाते हैं मिठाइयाँ खाने के लिए, खिलाने के लिए। नहीं, बॉर्डर पे तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जंतर मंतर पे तो अभी तक उनका आना नहीं हुआ आज दिन तक, जबकि उनको सब पता है इस बारे में कि हमारे सरकार पूर्व सैनिकों के साथ पूरा छलावा किया गया है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। और हम लोग तो तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर कि जब तक ये जो विसंगतियाँ हैं वो सरकार दूर नहीं करती है, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा और उग्र रूप लेगा और फिर सरकार को उन सैनिकों की बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, तो आप तो बोल रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम करे, फिर बोल रहे हैं उग्र रूप भी लेंगे। सरकार को हमारी पूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं और जो हमारे साथ विसंगतियां हुई है वो उनको माननी पड़ेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, ऐसा लग रहा है? नहीं, इस बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रहे कि हमको रोड़ों पे आना पड़ रहा, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। हाँ? हमको रोड़ों पे खड़ा कर दिया, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? What is the better work of done by government? मतलब सरकार खुश से खुश है, बहुत खुश है। इतने खुश हैं कि इतनी गर्मी में जंतर मंतर के ऊपर पूर्व सैनिक बैठा हुआ है। So happy, I am so happy. तो क्या लग रहा है कि सरकार जहाँ पे आप लोगों के साथ मिठाइयाँ खाने जाती हैं, होली दिवाली में जवानों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाती है, वहीं यहाँ पे आप लोग 50 दिन से अभी तक कोई आया नहीं? यहाँ की डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गई क्योंकि वो पहाड़ियों पे और सियाचिन ग्लेशियर पे हमारा हैट, हमारा टैंक, ये सब चीज़ पहन के और पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा असली फौजी है, जो सिपाही है, पूर्व सैनिक, वो आज जंतर मंतर पर इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसका सम्मान नहीं हो रहा है, उसका जो है उसको मजबूर कर दिया गया है कि वो आके जंतर मंतर पर बैठे। अभी तंज कैसा है कि जब यहाँ से लगता है संसद बहुत पास में है और इन्होंने कहा है कि लगता है डिस्टेंस बहुत दूर है इसीलिए मोदी जी यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जब बॉर्डर पे वो जाते हैं दिखाने के लिए हिंदुस्तान को, ऐसा ही कह रहे ना? यही है क्योंकि दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्रेम है सैनिकों। मोदी जी नहीं चाहिए, मोदी जी तो बड़ा चेहरा है, वो पूरे विश्व के ऊपर अभी अपना छाप छोड़ रहे हैं इस काम को लेके। इस वजह से नहीं, अच्छा गवर्नमेंट अच्छा काम भी कर रही है। कैसा? एक दो काम बताइए। एक दो काम, सारे काम अच्छे हैं। लेस देन आवर वर्क, हमारा काम छोड़ के कि हमारा सैनिक यहाँ पे बैठा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, अच्छे क्या नाम, कितने लोग हैं एयर में जाने वाले, एयर इंडिया से कितने लोग जाएंगे? गरीबी तो 80 करोड़ जनता गरीब से मर रही है, कौन जाएगा उसमें? नहीं नहीं, गरीब इतनी गरीबी नहीं है। 80 करोड़ जनता को तो राशन देने की बात आप ही की सरकार दिया, गवर्नमेंट के द्वारा राशन, गरीब है तभी तो 5 किलो राशन के लिए मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं सर जो एयर इंडिया के लिए इन्होंने बोला, इससे सहमत है? कितने लोग उसकी उसको प्रयोग कर पाएंगे? एयर इंडिया के बारे में मैडम, इन्होंने कहा कि सरकार जो है एरोप्लेन दे रही है, रोड की कनेक्टिविटी कर रही है, तो कितने लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे? सभी लोग आनंद लेते हैं, सभी लोग आनंद लेते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोग। एयरप्लेन की सुविधा तो मैडम अच्छी चीज है, एयरप्लेन में वही सुविधा, कोई लोग सफर कर रहे हैं जिनके पास कुछ जेब में कुछ धन दौलत है। गरीब लोग कहाँ जाएगा? उनके कहीं नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, अब ये राशन कार्ड है, ठीक है, सबके लिए राशन मिला है, राशन से काम नहीं चलेगा, राशन तो एक रोजी रोटी है, कुछ ही नहीं, रोजगार भी तो होने चाहिए। जी हाँ, सरकार गरीबों के लिए क्या कर रही है? गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है? अभी जैसे ये वो अग्निपथ, ये वीर का हुआ था, जो अग्निवीर का हुआ था,
इसमें लोगों की सोच गलत है। अग्निवीर खराब, अग्निवीर खराब नहीं है, अच्छी संस्था है वो। अगर 3-4 साल उसको ट्रेनिंग दिया था तो उसको गवर्नमेंट छोड़ेगी ना फ्री, उसको आने वाले उसको तो नौकरी देगी देगी, इतने लोगों को नौकरी पे रख लेगी, मिल जाएगी नौकरी मिलेगी। पर ये है कि जिनके ये और ये फौज है अर्थसेना बल है, इन लोगों की सर्विस कम होनी चाहिए। अग्निवीर से सहमत हैं आप? अग्निवीर एक अच्छी पहल है, अगर गवर्नमेंट उनको 4 साल के बाद खाली नहीं छोड़ती। आप अपने बच्चे को भेजेंगे अग्निवीर में? यस यस यस, भेजेंगे आप? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अग्निवीर एक ऐसा मतलब एनवायरमेंट है फौज के अंदर, एक युवा के लिए एक अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, सभी को नंबर आएगा। हो सकता है कि 75% लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, 75% लोगों को बाहर निकाला जाएगा, और तो वो लोग क्या करेंगे? नहीं देखो, वो सरकार ने पहले वो सरकार ने तय कर रखा है कि उनको कहाँ भेजा जाएगा, उनको पैरामिलिट्री फोर्स में भेजा जा सकता है या और भी कोई DSC सेंटर है वहाँ है, कई है उनके पास है। हाँ, ये सरकार का काम है उनको कि 75 लोगों को किस तरह समायोजित किया जाए उनको, तो वो ऐसे खराब नहीं है, ठीक है वो। देख सकते हैं लगातार ये लोग धरने पे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना, बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा कि कहा, आपने सुना होगा कि 55 दिन हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। शायद यहाँ से मोदी जी बहुत दूर पे रहते हैं इसलिए, हालांकि वो जो है बॉर्डरों पे जाते हैं। लोगों को क्या लगता है, जवानों की बात नहीं सुनी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।